वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनलैंड फिशरीज के अंदर लेक फिशरीज या फिर लेक स्ट्रीम फिशरीज के बारे में, यानी लेक्स जो होते हैं उन लेक्स के क्या क्या टाइप हो सकते हैं एंड वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, इसके अलावा कौन सी फिश स्पीसीज वहाँ पे पाई जाती हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था फिश प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, जो कि दो टाइप की फिशरीज होती है, इनलैंड फिशरीज एंड मरीन फिशरीज। इनलैंड फिशरीज के अंदर फ्रेश वाटर फिशरीज आती है, जिसके अंदर लेक्स, पोंड, रिवर्स, ये सब जो उनकी फिशरीज होती है वो इंक्लूड होती है। एंड मरीन के अंदर जो सीज एंड ओशंस होते हैं उनकी फिशरी इन्वॉल्व होती है। तो इनलैंड फिशरीज के अंदर रिवराइन फिशरीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जो हमने डिस्कस किया था रिवर सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। अलग अलग टाइप के रिवर सिस्टम्स हैं इंडिया के अंदर एंड उनके अंदर किस टाइप की फिशरीज पाई जाती है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लेक फिशरीज के बारे में, फिर लेक स्ट्रीम फिशरीज के बारे में। एंड अपकमिंग वीडियोस में हम रिजर्वोयर एंड पोंड फिशरीज एंड कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्स के बारे में, फिर लेक स्ट्रीम फिशरीज के बारे में। तो जो लेक्स होती है, लेक्स में रहने वाली मछलियाँ मछलियों से संबंधित होता है, यानी कि जो लेक फिशरीज होती है, जो लेक्स के अंदर मछलियाँ होंगी वो इसके अंदर आती हैं। झीलें जो होती हैं यानी लेक्स जो होते हैं, पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से बने गर्त यानी एक डिप्रेशन होता है जिसके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है। जो लेक्स होती हैं, फिर झीलें होती हैं, वो नेचुरली फॉर्म्ड होती है या फिर मैन मेड भी हो सकती है, लेकिन ये क्या होती है, नेचुरली फॉर्म्ड बने डिप्रेशंस होते हैं जिनके अंदर क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। अब लेक्स अलग अलग टाइप की हो सकती है, लेक्स के अंदर ये ध्रुवीय झीलें यानी पोलर लेक्स हो सकती है। पोलर से पता ही चल रहा है कि पोल्स के ऊपर होगी, जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो ऐसी झीलें जिनका बॉटम का जो तापमान है कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ इनका क्या होता है, यहाँ पे इनका टेम्परेचर सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है, इससे अधिक नहीं होगा। और सतह पर भी ये तापमान रहता है, जैसे कि और जो इसकी सतह होगी उसके ऊपर भी यही तापमान रहता है, बॉटम का भी यही रहेगा और सतह का भी समान यही तापमान रहेगा। जैसे कि जो हाई एल्टीट्यूड्स की झीलें हैं वो आती हैं पोलर लेक्स के अंदर। सेकेंड टाइप भी आती है टेम्परेट लेक्स यानी कि समशीतोष्ण झीलें। ये वो झीलें होती हैं जिनका सरफेस यानी जो सतह का तापमान है गर्मियों में 4 डिग्री से ऊपर और सर्दियों में 4 डिग्री से कम रहता है, ठीक है। गर्मियों में क्या होगा, 4 डिग्री से ऊपर ही रहेगा और जो विंटर्स होगी, विंटर्स के अंदर इसका टेम्परेचर 4 डिग्री से कम रहेगा और नीचे का तापमान वर्ष भर 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें सरफेस वाटर की, ठीक है, सरफेस वाटर क्या रहेगा, गर्मियों के अंदर तो वो 4 डिग्री से ऊपर रहेगा, सर्दियों के अंदर वो 4 डिग्री से कम रहेगा और जो नीचे का बॉटम का वाटर है, सतह से नीचे का तापमान है, वो थ्रू आउट द ईयर 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ये होती है टेम्परेट लेक्स। नंबर थर्ड टाइप की आती है ट्रॉपिकल लेक्स या फिर उष्ण कटिबंधीय झीलें। ये वो झीलें होती हैं जिनका सरफेस टेम्परेचर यानी कि सतह का टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और जो बॉटम यानी नीचे का तापमान है वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का संचलन पूरे वर्ष होता है यहाँ पे, यानी कि जो साइकिल है चलती रहती है यहाँ पे, ठीक है, साइकिल जो है पानी रोटेट करता रहता है। तो ये होती है ट्रॉपिकल लेक जिनका सतह का तापमान 20 से 30 डिग्री के बीच में होता है और बॉटम का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सब ट्रॉपिकल लेक। ये वो झीलें होती हैं जिनका सरफेस टेम्परेचर कभी भी 4 डिग्री से नीचे नहीं रहता, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी पोलर लेक्स के अंदर कभी भी 4 डिग्री से ऊपर नहीं रहेगा, सब ट्रॉपिकल के अंदर क्या होगा, कभी भी 4 डिग्री से नीचे नहीं रहेगा, इसके ऊपर ही रहेगा और विंटर्स यानी कि सर्दियों के अंदर परिसंचरण अनियमित हो जाता है, यानी कि जो सर्कुलेशन है वाटर का वो इरेगुलर यहाँ पे हो जाता है। ये होती है सब ट्रॉपिकल लेक्स। इसके बाद आती है सब पोलर लेक्स। सब पोलर लेक जो होती है वो झीलें जिनका सरफेस टेम्परेचर जो होता है गर्मियों में समर्स के मंथ्स में थोड़े समय के लिए 4 डिग्री से ऊपर होता है, ठीक है। जैसे पोलर का क्या होता है, 4 डिग्री से अधिक नहीं होगा, लेकिन सब पोलर का क्या होता है, सिर्फ गर्मी के कुछ महीनों के अंदर ही क्या होता है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए 4 डिग्री से
ऊपर रहता है। तो ये अलग-अलग टाइप की लेक्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप की लेकिस्ट्राइन, ये जो है लेक्स पाई जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर। ये तो हमने सिंपल डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप की लेक्स हो सकती है। अब इसके बाद है लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, वाटर की सर्कुलेशन के बेसिस पे कि कैसे उनके अंदर सर्कुलेशन होता है, इस बेसिस के ऊपर अलग अलग टाइप की लेक्स होती हैं। मोनोमिक्टिक लेक्स होती हैं, डाईमिक्टिक, पॉलीमिक्टिक, ओलिगोमिक्टिक एंड मीरोमिक्टिक। तो ये मोनोमिक्टिक झीलें क्या होती है? तो मोनोमिक्टिक लेक्स वे झीलें होती हैं जिनमें पानी का एक पलटाव यानी ओवरटर्न होता है। ऐसी झीलें या तो ठंडी प्रकार की होती हैं, यानी कि तापमान जो है कभी भी 4 डिग्री से ऊपर नहीं होगा, या तो ये गर्म प्रकार की हो सकती है, तो इनका टेम्परेचर कभी भी 4 डिग्री से कम नहीं होगा, या तो 4 से ऊपर नहीं होगा 4 डिग्री सेल्सियस से, या तो 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा। तो मोनोमिक्टिक यानी कि एक ही टाइप का इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि एक ही टाइम का इसके अंदर मौसम रहता है, या तो ये ठंडा होता है या तो ये गर्म होता है। जैसे इसको डायग्राम के अंदर हम देखते हैं तो समर्स हो गया, ठीक है, वार्म मोनोमिक्टिक है, यानी कि ये किस टाइप की है, जिसका टेम्परेचर कभी भी 4 डिग्री से कम नहीं होता है। अब ऑटम के अंदर, ऑटम सीजन के अंदर ये मिक्सिंग इसकी स्टार्ट हो गई, विंटर सीजन में भी ऐसे ही चलता रहता है, एंड स्प्रिंग सीजन, तो ये सीजन जो है इसके अलग अलग चलते रहते हैं, और इसके अंदर कैसी होगी, वार्म मोनोमिक्टिक होगी, या तो ये क्या रहेगी, गर्म प्रकार की रहेगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें कि कुछ यहाँ पे होती है कि वो जो है समर, वो कैसी होंगी, ये तो वॉर्म होगी, समर्स की होगी, कोई विंटर वाली होगी जो कि ठंडी होंगी, तो ठंडी के अंदर भी कैसा होगा, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, यही सीजन आएंगे, और उनके अंदर टेम्परेचर कैसा रहेगा, कभी भी 4 डिग्री से ऊपर नहीं होगा। तो ये टाइप की लेक हो गई मोनोमिक्टिक लेक्स। इसके बाद नेक्स्ट आती है डाईमिक्टिक लेक। डाईमिक्टिक लेक, ठीक है, डाई यानी दो, तो इसके अंदर दो अलग अलग मौसम, एक सर्द ऋतु, ठीक है, एक वसंत ऋतु, वे दो संचलन चक्र यानी कि टू सर्कुलेशन साइकिल वाली ये झीलें होती हैं। तो ये समर्स के अंदर होगी डायमिक्टिक, इसके बाद ओटम आया, और इसके बाद विंटर आई, एंड देन फिर स्प्रिंग आई। तो इनके अंदर यहाँ पे क्या होता है, इन डायमिक्टिक लेक्स के अंदर, एक तो यहाँ पे दो अलग अलग मौसम होती हैं, एक तो सर्द ऋतु होती है, विंटर्स हो गई, और एक वसंत ऋतु होती है। तो इनके अंदर दो सर्कुलेशन साइकिल चलती है, ठीक है, एक यहाँ पे समर्स आई, फिर ये मिक्सिंग होनी स्टार्ट हुई, वाटर का सर्कुलेशन होना स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद इसका जो भी विंटर्स जब आएगी, इसका जो स्ट्रेटिफिकेशन है यानी कि ऊपर का टेम्परेचर था वो नीचे आ जाएगा, नीचे का टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा, एंड फिर स्प्रिंग के अंदर फिर से क्या हो जाएगा, फिर से ये साइकिल चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे दो अलग अलग मौसमों के अंदर दो संचलन चक्र चलते रहते हैं। तो ये टाइप की झीलें होती हैं डायमिक्टिक लेक्स। इसके बाद थर्ड टाइप की आती है पॉलीमिक्टिक लेक्स। पॉलीमिक्टिक लेक्स के अंदर, इन जिन झीलों के अंदर जल का प्रवाह लगातार, फ्रीक्वेंट वाटर सर्कुलेशन चलता रहता है, इनके अंदर क्या होगा, पॉलीमिक्टिक के अंदर, ठीक है, कंटिन्यूअस यहाँ पे सर्कुलेशन, कम कंटिन्यूअस या फिर फ्रीक्वेंट वाटर सर्कुलेशन चलता रहता है। तो इसके अंदर देखो सभी के अंदर क्या है, सभी सीजन्स के अंदर यहाँ पे सर्कुलेशन चल रहा है, तो ये टाइप की लेक्स होती है यहाँ पे पॉलीमिक्टिक लेक्स। इसके बाद नेक्स्ट आती है ओलिगोमिक्टिक लेक्स। ओलिगोमिक्टिक लेक्स वे झीले जिनका परिसंचरण बहुत धीमा यानी स्लो सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे ओलिगोमिक्टिक के अंदर क्या होगा, स्लो सर्कुलेशन होता है, और क्योंकि तापमान कम या ज्यादा स्थिर होता है। और मीरोमिक्टिक लेक्स के अंदर क्या होगा, विभिन्न परतों में रासायनिक अंतर, क्या आ जाते हैं, केमिकल डिफरेंसेस होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे कोई संचलन नहीं होता, कोई सर्कुलेशन नहीं होता है। या यहाँ पे तो हम देखें, यहाँ पे स्लो सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे नो सर्कुलेशन होता है, तो एक तरह से यहाँ पे एक ही जैसी हमें नजर आती है ये। तो इसके अंदर समर्स के अंदर हो गई, फिर ये ऑटम के अंदर हुई, इसके अंदर अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, या फिर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होती है, जैसे कि ऊपर वाली लेयर एपिमिलियन होगी, नीचे वाली हाइपोलिमनियन होगी, एंड बीच वाली मेटालिमनियन होगी। ऐसे ही ये क्या होगा, इनके अंदर जो सर्कुलेशन है वो या तो स्लो होता है या फिर होता ही नहीं है, ठीक
ठीक है, या तो स्लो होगा या तो होगा ही नहीं। और टेम्परेचर भी यहाँ पे कम या ज्यादा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो ये होती है मीरोमिक्टिक एंड ओलिगोमिक्टिक लेक्स। तो ये अलग अलग टाइप की लेक्स हो गई ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आएंगी इकोलॉजी ऑफ लेक्स। लेक्स की इकोलॉजी की अगर हम बात करें, यानी इनकी पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें, तो इसके बेसिस पे इनका तीन जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होता है लिटोरल जोन, ठीक है, लिटोरल जोन यानी तटीय क्षेत्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लिम्नेटिक जोन, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, लिम्नेटिक जोन होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होता है नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला क्या होता है, प्रोफंडल या फिर एफोटिक जोन, जहां पे लाइट नहीं होगी। एंड यहाँ पे जो अगर हम बात करें, यहाँ पे ये क्या होगा, बेंथिक जोन होगा। तो ये तीन टाइप के तटीय, लिम्नेटिक एंड प्रोफंडल जोन, ये तीन टाइप के इकोलॉजी के अंदर आते हैं जोन्स। इनके बारे में अगर हम बात करेंगे किस किस टाइप के यहाँ पे स्पीसीज पाई जाएंगी अलग अलग, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो लेक्स हैं वो दो टाइप की हमने बात की थी, जैसे कि ट्रॉपिकल लेक्स होती हैं या फिर टेम्परेट लेक्स होती हैं। तो ये ट्रॉपिकल लेक के अंदर क्या है एंड टेम्परेट लेक, यहाँ पे टेम्परेट लेक के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती है, जिसके अंदर ये अलग अलग जोन्स पाए जाएंगे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्रॉपिकल लेक के अंदर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या चलता रहता है, ओवरटर्न चलता रहता है। अब सबसे पहले हमने बात की थी लिटोरल जोन, ये वाला जो जोन है वो लिटोरल जोन होगा। लिटोरल जोन यानी तटीय क्षेत्र होगा, यहाँ पे जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स, तैरते हुए फाइटोप्लैंक्टोन्स होंगे, और इसके अलावा एल्गी और रूटेड बेंथिक प्लांट होते हैं, ठीक है, ये इस बेंथिक इस लेयर पे पाई जाते हैं। एंड यहाँ पे क्या होते हैं, रूटेड बेंथिक प्लांट्स होते हैं, और इसके अलावा रूटेड हाइड्रोफाइट्स यहाँ पे होती हैं, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे पाई जाती है एज प्रोड्यूसर्स, जो कि प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा टाइफा, स्किल्पस, सेगिटारिया, इसके अलावा एलोचारियास, निम्फिया, नेल्यूम्बो, रुपिया, सेरो सेरेटोफिलम, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, कारा, स्नेल्स हो गए, घोंगे हो गए, डैमसल फ्लाई हो गई, निम्स, रोटिफर्स, फ्लैटवर्म्स, हाइड्रा, क्रेफिस, एनलीड्स या फिर चिरोनोमिड लार्वा, क्लैम्स, व्यस्क और विभिन्न प्रजातियों के लार्वा, भृंग, उभयचर, ठीक है, एम्फीबियंस यानी कि जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, मेंढक हो गए, कछुए और पानी के सांप यानी कि वाटर स्नेक्स। तो ये सब स्पीसीज इस लिटोरल जोन के अंदर पाई जाती है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, और इसके अलावा अलग अलग टाइप की यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो जोन होगा वो होता है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन के अंदर एपिलिम्नियन जो है ये इंक्लूड होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिम्नेटिक जोन की बात करें, लिम्नेटिक जोन के अंदर प्रोड्यूसर्स मुख्य रूप से फाइटोप्लैंक्टोन एल्गी होते हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टोन एल्गी होंगे। और उपभोक्ता यहाँ पे क्या होंगे, यानी कंज्यूमर्स क्या होंगे, जू प्लैंक्टोन्स होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टोन्स को खाएंगे। इसके अलावा कोपोड्स होते हैं, क्लेडोसिरेंस होते हैं, साइक्लोप्स होते हैं, डिफानोसोमा होते हैं, बुसामिना होते हैं, नेटकॉन्स होंगे यानी कि जो स्विमिंग एनिमल्स हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड होते हैं लिम्नेटिक जोन के अंदर। एंड थर्ड वन आता है प्रोफंडल जोन, यानी गहरा क्षेत्र जो कि डीप डाउन इसके अंदर होगा। प्रोफंडल जोन के अंदर थर्मोक्लाइन एंड हाइपोक्लाइन, हाइपोलिम्नियन, ये दो टाइप की लेयर आएंगी। तो अगर हम इसकी बात करें प्रोफंडल जोन की, तो झील का सबसे निचला यानी लोवेस्ट जोन होता है, जिसमें प्रकाश का कोई पेनिट्रेशन नहीं होगा, सनलाइट का यहाँ तक कोई पेनिट्रेशन नहीं आता है। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर क्या होगा, प्रोड्यूसर्स बहुत कम होंगे। कंज्यूमर्स यहाँ पे जैसे कि ब्लड वर्म्स पाई जाएंगी, इसके अलावा चिरोनोमिड लार्वा होगा, और कुछ फिशेज यहाँ पे पाई जाती है। तो ये अलग अलग जोन्स हैं यहाँ पे इकोलॉजी के अकॉर्डिंग। इसके बाद थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होगी लेक की, यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे लेक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो टेम्परेचर जोन्स के अंदर एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोक्लाइन, ये तीन टाइप के जोन्स यहाँ पे होते हैं, या फिर तीन टाइप की स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे पाई जाती है। ये हमने डिस्कस किया था, ये जो है ये दोनों तो आएंगे प्रोफंडल जोन के अंदर, यानी कि एफोटिक जोन के अंदर, जहाँ पे लाइट बहुत कम आती है। एंड एक यहाँ पे क्या होगा, यूफोटिक या फिर फोटिक जोन के अंदर ही आएगा, यानी कि लिम्नेटिक जोन के अंदर आएगा। तो ये तीन अलग अलग टाइप की थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन एंड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती है, जिसे यहाँ पे अलग अलग कलर से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, हाइपोलिम्नियन, थर्मोक्लाइन एंड एपिलिम्नियन।
नेक्स्ट है झील का उष्मीय या फिर थर्मल स्तरीकरण, यानी कि थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स। ये हमने बात की थी कि जो टेम्परेट लेक्स है वो क्या करती हैं, वो थर्मली स्ट्रेटिफाइड होती है, उनके अंदर अलग अलग जोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि एपीलिम्नियोन, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिम्नियोन। अब यहाँ पे जो एपीलिम्नियोन है यानी कि ऊपर वाला जोन जो है, एंड हाइपो मीन्स नीचे वाला, तो एपीलिम्नियोन हाइपोलिम्नियोन की तुलना में गर्म होता है, क्योंकि एपीलिम्नियोन के अंदर यहाँ पे सनलाइट आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा। जैसे जैसे यहाँ पे गहराई बढ़ती है, डेप्थ इंक्रीज होती है, थर्मोक्लाइन जो लेयर है उसका टेम्परेचर घटता जाता है, उसके अंदर तेजी से गिरावट आती है। इसके अलावा यहाँ पे लिम्नियन टू हाइपोलिम्नियन यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का होगा, एंड हाइपोलिम्नियन टू एपीलिम्नियन पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। अब बीच में यहाँ पे क्या आ गई है, थर्मोक्लाइन लेयर आ गई है, बीच में थर्मोक्लाइन लेयर आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे एपीलिम्नियन से हाइपोलिम्नियन तक ऑक्सीजन का एक्सचेंज, एंड हाइपोलिम्नियन टू एपीलिम्नियन न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, थर्मोक्लाइन क्या करता है, एपीलिम्नियन से हाइपोलिम्नियन का ऑक्सीजन के वर्टिकल एक्सचेंज और हाइपोलिम्नियन से एपीलिम्नियन तक पोषक तत्वों के बीच प्रभावी अवरोधक यानी कि बैरियर के रूप में कार्य करता है। तो जो थर्मोक्लाइन अब क्या होगा, ये बैरियर हो गया, तो थर्मोक्लाइन की वजह से जो हाइपोलिम्नियन रीजन है यानी कि जो शैलो वाटर और डीप वाटर के रीजन है, वहां की प्रोडक्टिविटी में, वहाँ की उत्पादकता में, उत्पादकता के लिए एक सीमित कारक की तरह कार्य करता है। इसलिए थर्मोक्लाइन का ज्ञान मछली पकड़ने और स्पोर्ट फिशिंग में भारत के जो मुख्य जिले हैं उनके अंदर जो ये किया जाता है, स्पोर्ट फिशिंग हो गया या फिर जो मछली पकड़ी जाती है उनके लिए क्या है, ये बहुत उपयोगी होता है। तो ये हमने बात यहाँ पे कर ली है अलग अलग थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की। इसके बाद नेक्स्ट आती है भारत की मुख्य झीलें, जो मेन लेक्स हैं इंडिया की, तो इसके अंदर फ्रेश वाटर लेक्स हैं एंड ब्लैक वाटर लेक है, यानी कि खारे पानी की झीलें हैं। तो जो मीठे पानी की झीलें हैं उसके अंदर ग्रेट मानसरोवर झील हो गई, भीमताल, नैनी झील, इसके अलावा येराकुंड झील, ऊटी झील, भोपाल झील, बखेरा झील, गोरखपुर की रामगढ़ झील, ये सारी फ्रेश वाटर की लेक्स हैं। एंड ब्रैकिश वाटर की लेक्स के अंदर चिल्का झील, पुलिकट झील, ये सब क्या है, ये ब्रैकिश वाटर की लेक्स हैं। तो ये अलग अलग टाइप की क्या हो गई, लेक्स हो गई, जो कि मुख्य लेक्स हैं, फिर मुख्य झीलें हैं भारत के अंदर। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल लेक्स आर मोर प्रोडक्टिव देन टेम्परेट लेक्स। ठीक है, ये तो एक तरह से क्वेश्चन है कि जो ट्रॉपिकल लेक्स हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल लेक्स क्या होती हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है टेम्परेट लेक्स से, तो ये कैसे होती है। तो हमने बात की थी जो टेम्परेट लेक्स हैं उनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, करेक्टरिस्टिक फीचर इनका एक होता है, और ये करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। तो थर्मल इस स्तरीकरण की वजह से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एक जोन आ जाता है जिसको थर्मोक्लाइन बोला जाता है, जो कि लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। ऐसा ट्रॉपिकल लेक्स के अंदर नहीं होता है, ट्रॉपिकल लेक्स के अंदर यहाँ पे सर्कुलेशन चलता रहता है, वहाँ पे कोई थर्मोक्लाइन नहीं होता है। तो जो उष्णकटिबंधीय झीलें हैं इनके अंदर जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है वो नहीं होगा। ठीक है, ट्रॉपिकल लेक्स के अंदर कोई थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो स्थायी सरफेस वाटर है एंड जो डीप वाटर है उसके अंदर लगातार मिश्रण यहाँ पे चलता रहता है, सर्कुलेशन यहाँ पे चलता रहेगा, और यहाँ पे कोई थर्मोक्लाइन भी नहीं होता है। और इसी कारण से क्या होगी, जो उष्णकटिबंधीय झीलें हैं वो समशीतोष्ण झीलों की तुलना में अधिक प्रोडक्टिव, अधिक उत्पादक होती है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल लेक्स क्या होंगी, ट्रॉपिकल लेक्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगी क्योंकि उनके अंदर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, टेम्परेट लेक्स के अंदर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होता है जिसकी वजह से वो कम प्रोडक्टिव होती है। तो ट्रॉपिकल लेक्स क्या होंगी, मोर प्रोडक्टिव होंगी टेम्परेट लेक्स से। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोना ऑफ लेक्स, यानी कि जो झीलें हैं उनके अंदर कौन कौन से यहाँ पे मछलियाँ बोल सकते हैं या फिर जीव है वो पाई जाएंगी। तो फोना की अगर हम बात करें तो इसके अंदर चना स्ट्रेटस, चना पंक्टाटस, अनाबस टेस्टुडिनस, क्लैरियस बेट्राटस, वेलेगो अट्टू, ऑस्ट्रियोम्बा ब्रामा, बेलंगेरी, पुंटियस सराना, पुंटियस सफोर, एंड इसके अलावा से प्रिनस कार्पियो जैसी मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती है लेक्स के अंदर। कटला लेबियो रोहिता, सीरिनस मृगाला, लेबियो कालाबासा, कालूबास कालूबा
लेबियो कालाबासो जैसी कार्प भी इन झील के अंदर पाई जाती है। नदन इंडिया के अंदर, ठीक है, उत्तरी भारत के अंदर ठंडे पानी की जो झील होती है, कोल्ड वाटर लेक्स होती है, इनके अंदर सालमो ट्रूटा, सालमो फ्यूरियो, सालमो गर्नेरी एंड जैसे ट्राउट पाए जाते हैं, एंड जैसे कि यहाँ पे टोर टोर, टोर पुटीटोरा, टोर खुदरी जैसी महसीर यहाँ पे पाई जाती है। तो ये अलग अलग फोना है लेक्स के। इसके अलावा यहाँ पे मुख्य रूप से फाइटो प्लैंकटोन्स एंड डिनोब्रियन, इसके अलावा ट्रेचिलीमोनास हो गया, युगलिना, सिरेटियम हो गया एंड साइक्लोटेला हो गया, ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टोन्स। और जू प्लैंक्टोन्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डायप्टोमस हो गया, डिफ्यूजिया हो गया, कैरेटेला हो गया, ब्रांचियोनस हो गया, नेपिलस लार्वा हो गया, और कुछ पॉइजनस फिशेज भी यहाँ पे पाई जाती है जैसे कि टेट्रोडोन क्यूटिकुला, यहाँ पे भारत की मीठे पानी फ्रेश वाटर झीलों में पाई जाती है। ये कुछ टाइप की पॉइजनस फिश होती है। तो ये अलग अलग टाइप के फोना जो है या फिर फिश स्पीसीज जो है इन लेक्स के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ तक हमने इन लेक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है कि डिफरेंट टाइप की लेक्स कैसी होती हैं, अलग अलग टाइप की लेक्स, और इसके बाद उनके अंदर कौन कौन से जोन्स पाए जाते हैं, एंड फिशरीज मेन क्या है, हमारा फोना यहाँ पे क्या पाया जाता है, ठीक है, मेन हमारी फिशरीज या फिर फोना है वो यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अपकमिंग वीडियोज में हम रिजर्वोयर फिशरीज, पॉन्ड फिशरीज एंड कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।